प्रज्ञा अभी तक उठी नहीं, वो तो मुझसे पहले उठ जाती है। दादी एक बार चल के देख लें, क्योंकि रात भर दी की तबीयत खराब थी, एडजस्ट हो वो ठीक हो। सही कह रहा है तू, चल देखते हैं। चल ये किसका मैसेज है? मुझे भी यही आया। दादी ये तो चंपक। ये सब करने के लिए ही निखिल चक्कर लगा रहा था घर के। पर वो लोग जो प्लान कर रहे थे उसमें तो वो कामयाब हो गए। और आपको याद है दी ने हमें इसके बारे में बताया भी था कि। चल प्रज्ञा को बताती है। दादी एक सेकंड, दादी दी को ये कैसे दिखाएंगे उनके सामने ये वीडियो? कुछ ना कुछ करना होगा, हमें सोचना होगा। चल मिलते हैं उसको। ठीक चल। आकाश जी भाई वीडियो कैसा? अरे आपको भी मिला वीडियो? आपको भी मिला मतलब तुम्हें भी? मुझे जस्ट अभी मिला भाई ये वीडियो। लगता है सबको ये वीडियो एक साथ ही मिला है। अभी उतर, ये सब क्या है? मम्मी जी इन दोनों की शक्लें तो देखो, हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोनों देखो कैसे शॉक्ड लग रहे हैं, मतलब अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और प्रज्ञा को देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ पता नहीं अभी अब क्या करेगा। कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ। अभी देख तू कुछ मत सोच, ये सब झूठ है यार। तू जानता है ना प्रज्ञा दी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें फंसाया जा रहा है। बस पूरा बस। और कितनी सफाई दोगे अपनी दी की, कितना पर्दा डालोगे? तुम्हारी दी का पर्दा फाश हो चुका है, उसकी सारी सच्चाई सबूतों के साथ सामने आई। अभी तुम तो कुछ बोलो, इन सबके बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर नहीं बोलोगे तो पानी सर के ऊपर चला जाएगा। अभी तुम्हें अभी प्रज्ञा पे इतना भरोसा है? अभी कुछ तो बोलो, या तुम अभी ये कहना चाहते हो कि प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया? अब तो तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हो कि ये कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस है। अभी कुछ तो बोलो, यहाँ भी ये कहना चाहते हो कि इसकी ये हरकत भी मजबूरी में थी? हे भगवान प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यस ही जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यस इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, मैंने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ
हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पेना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,